हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएनए स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरएनए स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, तो आज जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अगर जो बच्चे हमारे चैनल पर अभी न्यू है और प्रीवियस क्लास नहीं देखे तो प्लीज आप लोग जाकर देख ले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और फ्यूचर में जो भी आने वाले वीडियो का अपडेट है आप तक मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था स्टूडेंट्स वो हमें ये दिया हुआ, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में सॉल्व करना था। मिक्स फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन है और उसे मल्टीप्लाई करके अगेन मिक्स फ्रैक्शन में हमें लिखना। जैसे हमारे पास क्वेश्चन था 3 × 5 होल 1/5, दैट मींस 3/1 × पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में करेंगे बच्चे, तो 5 5 देखो पहले हम बता के इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना और इससे जो आंसर आएगा उसमें प्लस, तो 5 5 = 25 25 और 1 26 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 26 तो 26 अपॉन 5। यहाँ से हम लोग देख रहे थे बच्चों, कोई भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा था ना, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा, ये दोनों, तो क्या होगा, सिंपली है हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है बच्चों, क्या कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 78 अपॉन 5। इसे हम लोग देखो इस तरह से, पहले एक हम डिवाइड करके बता देते हैं कि कैसे आप लोग करोगे फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में। पहले हम लोग आए 5 × 5 5 × 5 7 में से 5 जा रहा था बच्चों 2, तो 28 7 × 5 = 5 5 = 25 बच गया 3। तो इसे हम लोग क्वेश्चन को बीच में लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है उससे ऊपर लिखते हैं, जो डिनोमिनेटर जो होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 15 होल 3/5 दैट इज आवर आंसर, 15 होल 3/5 यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, यही जो हमारे बच्चों क्या होगा आंसर आ जाएगा 15 होल 3/5। ओके बच्चों, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से सॉल्व करना था और क्या करना था क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, अब बात हम लोग करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो तो 5 upon 1 × 4 6 4 6 बच्चों 24 4 6 24 और 24 प्लस 3 तो 27 upon 4। ये भी देखिए किसी से नहीं कट रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो क्या होगा 27 को तब करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 135। देखो 7 5 = 35 और 5 2 = 10 3। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन हम लोग अगेन वही प्रोसेस, 4 को 135 से आप लोग डिवाइड करो, 4 को 135 से डिवाइड करो तो 4 2 = 12 4 3 = 12 और 15 और 4 3 = 12। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बच गया 3, यहाँ से क्या बच गया स्टूडेंट्स 3, तो हम इसे लिख सकते हैं 33। देखो क्वेश्चन को बीच में रिमाइंडर को ऊपर और फिर 33 होल क्या लिखेंगे बच्चों 33 होल 3/4। ओके स्टूडेंट्स, कैसे आया 33 आप लोग समझ रहे हो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई की फिर 4 को इससे डिवाइड कर देंगे 135 में, तो आंसर हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस को हमें क्या करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, पहले 4 2 = 8 इधर तरीके 7/1 और इसमें लिखेंगे 4 2 = 8 तो 9/4, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 4 2 = 8 और प्लस 1 तो 9/4। आफ्टर देन स्टूडेंट्स देखो ये भी नहीं कट रहा, 9 7 = 63 upon 4। अगेन आप इसी तरह से आप लोग डिवाइड करोगे तो 4 तो नीचे ही आएगा, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 1 = 4 4 1 = 4 बच गया 2, तो 23 तो 4 5 = 20 और 3 यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, दैट मीन्स 15 होल 3/4 ये हमारा आंसर आ गया। कैसे आप लोग ये डिवाइड करके देख लेना क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है बच्चों, रिमाइंडर 3 आ गया। आपका दिन हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ से देखें 6 3 = 18 पहले तो 4/1 × 6 3 = 18 18 और 1 19/3 ये भी देखो नहीं कट रहा बच्चों, नहीं कट रहा तो हम सिंपल ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 4 = 76 तो यहाँ से ये आगे बच्चों, यहाँ से हम लोग देख रहे थे स्टूडेंट्स इसे हम अगेन डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड करना तो 3 2 = 6 कैरी बच गया 1 तो 3 5 = 15 1। ओके स्टूडेंट्स, 25 3 = 25 होता है, एक बच गया तो एक रिमाइंडर में लिख देंगे।
और कैसे नहीं समझ में आ रहा था आप लोग, अगेन वही इसी तरह से आप लोग डिवाइड करके देख लेना, क्वेश्चन आएगा हमारा 25, रिमाइंडर आएगा 1, उसके बाद आप लोग लिखोगे। ओके स्टूडेंट, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चन में हमें क्या करना था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों। अगले क्वेश्चन में था 4 3 12 4 3 12 और 1 13 अपॉन 4 4 3 12 तो 13 अपॉन 4 इंटू 6 अपॉन 1। यहाँ से हम लोग देख रहे थे, देख पा रहे होंगे आप लोग बच्चों की ये दोनों जो नंबर था, ये जो दोनों नंबर है बच्चों वो 2 के टेबल में आता है। इसे 2 से काट दिया 2 पे, इसे काट दिया 2 से 3 पे, यहाँ से क्या बच गया, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 13 3 39 2 1 2, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब जब ये आंसर आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे 2 को 39 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 38 होता है, तो रिमाइंडर बच गया 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस में क्या करना था। आफ्टर देन हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चों। तो 5 3 15 15 प्लस 2 17 17 अपॉन 5 इंटू 8 अपॉन 1 17 अपॉन 5 इंटू 8 अपॉन 1। यहाँ से हम लोग देखो बच्चे, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे आप लोग कि कोई भी किसी नंबर से नहीं कट रहा था, तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 7 56 कैरी बच गया 5 8 1 8 8 5 13, तो 136 अपॉन 5 136 अपॉन 5। इज क्लियर ऑन नॉट स्टूडेंट्स, इज क्लियर ऑन नॉट, आई होप देखो आपको समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चंस में क्या करना था। अब यहां से हम लोग देखो 5 को 136 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 5 2 10 पे जाएगा, कैरी बचेगा 3, फिर 5 7 35 पे जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27 होल 1 अपॉन 5, दैट इज आवर आंसर। यही हमारा जो बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 जो था बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब जो है स्टूडेंट देखो, आप लोग चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ऐसे तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिन जो है स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 7 करेंगे। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करना किस तरीके से करना, क्वेश्चन देखो सब इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये फ्रैक्शंस जो है इसके बाद आपको सिंपल, आज इस जो क्लास 7th में आप लोग फ्रैक्शंस पढ़ोगे बिल्कुल जीरो से लेकर के लास्ट तक, यानी कि उसके बाद अगले क्लास में इसके बेस पे ओनली क्वेश्चन आएगा, फ्रैक्शन चैप्टर आपका नहीं आएगा, सीधा आपको रेशनल नंबर आएगा, ये आएगा, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से और एंड तक हमें पढ़ना ताकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। आफ्टर देन 7th क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे बच्चों। 7th क्वेश्चन में देखो क्या था, फाइंड आउट करना था क्या, फर्स्ट में ये में था 1 अपॉइंट 2 ऑफ, सेम क्वेश्चन हो गया ये देखो, ये क्वेश्चन जो 5 के जैसा, 1 अपॉइंट 2 ऑफ फर्स्ट में 3 होल 2 अपॉइंट 4 और सेकेंड में था बच्चों बस इसमें 4 होल 2 अपॉइंट 9। देखो ये बिल्कुल 5 के जैसा क्वेश्चन है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे और आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा है, वो था सिंपल फ्रैक्शन था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग उनकी उसी तरीके से करेंगे। पहले 1/2 ऑफ क्या था फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, तो 1/2 ऑफ 3 होल 2/4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग चेक किए तो 1/2 इंटू 4 3 जा 12 और 2 क्या 14 तो 14 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखें कि ये 2 के टेबल से दोनों जा रहा था, ये 2 के टेबल में 1 पे जा रहा था, ये 7 पे, इधर तो 1 1 हो गया, दैट मींस 7 अपॉन 4 आंसर आ गया। 7 अपॉन 4 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, क्या बच्चों लिख सकते हैं, 1 होल 3 अपॉन 4 1 होल 3 अपॉन 4, दैट मींस 4 1 जा 1 4 1 जा 4 प्लस 7 अपॉन 4। अब यहीं से हम लोग सेकंड क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों। सेकंड क्वेश्चंस में था 1/2 ऑफ 4 होल 2 अपॉन 9, 4 होल 2 अपॉन 9, दैट मींस क्या हुआ, 1/2 इंटू 9 4 जा बच्चों 9 4 जा 36 एंड 36 प्लस 2 38 अपॉन 9, दैट मींस 1, यहां से देखा लो बच्चों कि ये 19 से कट रहा था यहां पे 1, यहां से हमारे पास आ गया 19 अपॉन 9 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, 19 अपॉन 9 लिख सकते हैं 2 होल 9 अपॉन 1, क्योंकि 9 2 जा 18 प्लस 1 19। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी था, सेम क्वेश्चंस था, किस तरीके से करना था बस पैटर्न चेंज करके आपको दे सकता और मिक्स फ्रैक्शन में था फ्रैक्शंस में, इसी का हम लोग बी और है 7th में, बी पार्ट भी है हम लोग बच्चों, बी पार्ट करेंगे 5/8 ऑफ फर्स्ट में 3 होल 5/6
And second, जो है students वो है nine hole two upon three. Is clear or not students? Is clear or not? तो आई होप देखो आपको समझ में आ रहा हो कि क्या था हमें करना. 5/8 of 3/5/6 and 9/2/3. तो आप फर्स्ट हम लोग फर्स्ट सोल्व कर रहे थे सीखा था क्या 5/8 of 3/5/6. That means 5/8 multiplied by 6 3 जा क्या होगा बच्चों 18. 6 3 जा 18 और 18 में हम लोग 5 प्लस करेंगे 18 में 6 3 जा 18 18 प्लस 5 तो 23/6. यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं आप लोग स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमिनेटर से ना तो ये कट रहा था ना ये कट रहा या ऐसे ऊपर नीचे. जब इन डायरेक्ट केस हम बताए थे जब नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. ऐसे नहीं कि आप लोग इसे दो से काट दोगे तो गलत हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स और 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 115. क्या आ गया स्टूडेंट्स 115 क्योंकि 22 5 जा 110 और 23 5 जा 115 8 6 जा 48. इस क्लियर नॉट स्टूडेंट्स. अब हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पहले डिवाइड कर लेना 115 115. हियर वी सी दैट ये जो था बच्चों 2 से जा रहा था देखो 48 2 जा 96. ओके स्टूडेंट देखो 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8 और 9 15 में से सीख जाएगा बच्चों 9 15 में से सीख जाएगा 9 और यहां पे 0 हो गया यहां पे तब 0 हो गया अब 10 में से 9 जाएगा 1 तो 19. दैट मींस क्या है बच्चों 2 होल क्या आगे बच्चों 2 होल 19 अपॉन 48 क्योंकि 19 रिमाइंडर आ गया हमारा रिमाइंडर बच गया और 48 तो क्वेश्चन था ही और क्वेश्चन आया 2 तो ये हो गया. अब इसी का हम लोग देखो सेकंड पार्ट करेंगे कि किस तरीके से करना था 9/2/3 को. दैट मींस देखो यहाँ इसी का हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों 5/8 of 9/2/3. इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स. यहाँ से हम लोग देख लेते हैं बच्चों 5/8 मल्टीप्लाई बाई 9 3 जा बच्चों 27 और 27 प्लस 2 29 तो 29 अपॉन 3. ओके स्टूडेंट्स 9 3 जा 27 और प्लस 2 तो 29 अपॉन 3. ओके बच्चों अब यहाँ से हम लोग देखो यहाँ भी देख रहे थे सेम कंडीशन था किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था तो 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देना और इस दोनों को न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो आफ्टर देन हम लोग 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हियर वी सी दैट द विल बी मल्टीप्लाई बाय 29 × 5 तो 29 को 5 से करेंगे बच्चों क्या होगा 145. देखो 9 5 जा 45 कैरी बच गया 4 और 5 2 जा 10 14 और 8 3 जा 24. अगेन हम लोग क्या करेंगे बच्चों अगेन हम लोग क्या करोगे आप लोग पहले 24 को 145 से सॉरी 24 है या 145 से डिवाइड लोगे. आप ये देख रहे हैं बच्चों कि ये 6 से डाला था तो 6 4 जा 24 और 6 2 जा 144 पे. ओके बच्चों तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया क्वेश्चन 6 तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 6 होल 1 अपॉन 24. यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों यही जो हमारा आंसर हो जाएगा. तो आई होप स्टूडेंट्स की क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो था आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि क्या करना था. अब जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर क्योंकि लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है हम लोग इसी पार्ट में खत्म करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में जो है बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3. ओके स्टूडेंट्स देखो आई होप देखो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो जो दोनों क्वेश्चन हम लोग आज पढ़े और इन प्रीवियस क्लास और भी जो हमारा लेक्चर था आप लोग बिल्कुल अच्छे से अटेंड रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे और अगर जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर अटेंड कर रहा होगा देन उसे आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. बट कुछ बच्चे जो रेगुलर नहीं होंगे तो उन्हें शायद प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए हम बोले पहले आप लोग क्लास में रेगुलर रहो आफ्टर देन करोगे आफ्टर देन क्वेश्चंस करो. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो है थोड़ा लॉन्ग है तो हम क्वेश्चंस बोल नहीं रहे बोल देते हैं लिख नहीं पा रहे लिखेंगे तो फिर क्लास जो आपकी थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो प्रॉब्लम 8 में तब देखो बच्चों जहां पे होगा लिख देंगे. विद्या एंड प्रताप वेंट टू पिकनिक. देखो देखो ऐसा है चलो लिख ही देते हैं कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा पहले विद्या एंड प्रताप यानी कि जो विद्या है और जो प्रताप है बच्चों विद्या एंड प्रताप गो टू पिकनिक यानी कि विद्या प्रताप है जो बच्चों को दोनों कहाँ जाते हैं पिकनिक जाते हैं. चलो अच्छी बात है भाई पिकनिक जाते हैं तो फिर डियर मदर डियर
मदर्स यानी कि इनकी जो माँ है बच्चों, डियर मदर्स गेव देम, डियर मदर गेव देम, डियर मदर गेव देम ए वाटर वाटर। उनकी मम्मी जो थी बच्चों ने वाटर बोटल दी, बाहर पिकनिक जा रहे हैं, कहाँ पानी पिएंगे, कैसे रहेंगे, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सबकी मम्मी की, सारे मम्मी जो होते हैं सबके मम्मी को थोड़ा चिंता होता है, चलो बाहर जा रहा है बेटा अकेले, ठीक है बच्चों। इसलिए उनकी जो मम्मी थे उन्हें क्या दिए, वाटर बोतल दिए कंटेन 5 liters ऑफ वाटर, पानी भी काफी दे दिए थे, दिन भर घूमना था ना, 5 liters ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। देखो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे, विद्या कंज्यूम, विद्या विद्या कंज्यूम, विद्या कंज्यूम 2/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द वाटर। प्रताप प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप कंज्यूम, प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में था हाउ मच, हाउ मच, देखो अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे, आप लोग चिंता मत लेना। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या जो थी वो कितना पानी पी। सेकंड में मैंने निकालना था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। देखो आई होप ये क्वेश्चन लिख दिया, आप लोग भी लिख लिए होंगे क्या था। अब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, क्वेश्चन ये था बच्चा, देखो आप लोग पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपके लिए भी मम्मी सामान वगैरह दे ही देती होगी, ठीक है। तो विद्या और प्रताप जो है पिकनिक जाते हैं, तो उनकी जो माँ है बच्चों, डियर मदर्स गेव देम बोटल दैट कंटेन्स 5 liters ऑफ वाटर, यानी कि उनकी जो माँ थी वो एक बोटल वाटर बोटल देती है जिसमें 5 liters पानी होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है कि घर से दिए पानी दिए, विद्या जो है जितना पानी था, और विद्या जो है क्या करती है, जितना पानी था उसका 2/3 पार्ट जो है विद्या पी जाती है, ठीक है बच्चों। एंड प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, और प्रताप जो है बाकी जो पानी बचता है वो प्रताप पीता है। तो इसमें से दो क्वेश्चन था कि विद्या कितना पानी पी और प्रताप कितना पानी पिए, तो विद्या कितना पानी पी बच्चों, विद्या जो पी थी 2/3 पी ऑफ 5 liters, 2/3 5 liters में से तो 2/3 पार्ट्स वो पी गई थी, तो 2/3 5 का 2/3 हम लोग निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आएगा 5 × 10/3, यानी कि 10/3 liters जो है कौन पी, विद्या पी गई। अब भाई 10 upon 3 liters विद्या पी गई, अब प्रताप जो है वो कितना पिएगा, प्रताप जो है बच्चों वो कितना पानी पिएगा, तो प्रताप ड्रिंक ये तो था विद्या ड्रिंक वाटर, ये कौन था विद्या ड्रिंक वाटर, यानी कि जो विद्या थी वो कितना पानी पिएगी, विद्या ड्रिंक वाटर 2/3 ऑफ 5। ओके बच्चों, अब प्रताप कितना पी थी, तो प्रताप ड्रिंक वाटर यानी कि जो प्रताप था वो कितना पानी पीता है स्टूडेंट्स, प्रताप ड्रिंक वाटर। अब जो टोटल पानी तो 5 liters था, अब मान लो 5 liters में से 2 liters, मान लो 5 liters पानी से 2 liters हम पी गए, तो आप कितना पियोगे, तो 5 में से 2 को माइनस कर दोगे यानी कि 3 liters पियोगे। तो सेम इसी तरह से फ्रैक्शंस में 5 liters में से 10/3 liters विद्या पी गई, तो बाकी जो बच्चा होगा प्रताप पिएगा, तो कितना बच रहा होगा, तो उसे हम लोग 5 में से 10/3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5/3 में से 10/3 को माइनस कर देंगे। ओके बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि माइनस की पिए, क्योंकि जो बच गया पानी वही तो पिएंगे। कुछ बच्चे इस कर्जर से निकाल देते कि 5 × 10/3 ऑफ, तो नहीं हमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 को 3, यहाँ से 3 का एलसीएम 3 आया, 1 × 3 = 3, तो 5 × 3 = 15 माइनस 10, यानी कि 5/3 यानी कि जो बाकी जो पानी बच गया बच्चों 5/3 जो है 5/3 liters जो है बच्चों वो कौन पिएगी, 5/3, तो यहाँ से लिखेंगे प्रताप ड्रिंक वाटर 5/3 ऑफ 5 liters,
5 अपॉन 3 ऑफ 5 लीटर का 5 अपॉन 3 पार्ट जो है वो प्रताप पिएगा। ओके बच्चों 5 अपॉन 3 लीटर का प्रताप पिएगा। ओके स्टूडेंट्स आई होप कि देखो क्वेश्चंस जो था बिल्कुल इजी तरीके से था और आप लोग समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या करना था। ओके स्टूडेंट्स तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।